चाय लाऊंगा। यही तो हमारी स्ट्रेटेजी थी भैया को बिग बॉस में भेजने की। फिलहाल दो दिन के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ। मैं भी जाऊँगा बिग बॉस के शो। अंकल आप सजन रे पास तो आना ना कभी मुझे। हम लोग निकल गए हर्ष भैया के घर से, मैं और हर्ष भैया निकल गए उनके घर से। अब हम लोग जा रहे हैं भैया के घर, वहाँ पे हम लोग अब मिलेंगे अंकल आंटी और सबसे। ये देखो आज हमें कौन लेने आया है। हाँ जी कैसे हैं आप? तो बस हम लोग अभी चल रहे हैं, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं घर पे, अंकल आंटी से मिलते हैं, पूछते हैं कल वाला एपिसोड उन्हें कैसा लगा। गाइस हम लोग पहुँच गए भैया के घर पे, अब देखते हैं आंटी लोग बैठे होंगे अभी टीवी के सामने, बैठे हुए हैं देखते हुए। हाँ जूली जूली तो देख रहे हैं, चलो आपने पूरा एपिसोड देखा, कैसा लगा आपको एपिसोड? आंटी को सुबह शाम तक टीवी मस्त, काम वाम निपटा के जल्दी जल्दी काम भी क्या अभी दस्ता घर तो देखो काम तो होते रहे क्यों मस्त मजा आ रहा है अभी उसे वहाँ पे आ रहा है अभी यहाँ पे आ रहा देख करके वही में। और नहा भी लेते हैं वही सुबह ही उठ के, कह रहे बिग बॉस गीजर ऑन कर दो मुझे नहाना है। पानी नहीं चाहिए। अब आके ना भैया ऐसा लाओ हम लोग को, बोले आ तुम सब बैठ जाओ सारा काम मैं करूंगा। कहीं आकर बोल रहा मम्मी मैं बनाता हूँ रोटी सुबह की, चाय में बना के दूंगा बैठा रहो, तब उठना बिस्तर से ना, तब उठना बिस्तर से मैं चाय लाऊंगा। यही तो हमारी स्ट्रेटेजी थी भैया को बिग बॉस में भेजने की। भैया को देख रहे हम लोग कब आएंगे भैया, जब भैया आएंगे तब दिखाते हैं आप लोग। और आंटी अंकल कहाँ पर है? अंकल मीटिंग में जा रखे भाई, वो भी रात भर देखते रहे। सच्ची मेरी मीटिंग है थोड़ा तो सोने दो कम से कम ज्यादा। और अभी अंकल आएंगे फिर एपिसोड देखेंगे सब लोग शाम को बैठ के, सब लोग बैठ के ना एपिसोड देखते हैं रात को। ऐसा होता है कि बहुत सारे काम भी कर रहे हैं अपना, बट अंकल आंटी ये जरूरी है नेक्स्ट टाइम। हां ये जरूरी अभी अंकल का क्या था, अंकल की मीटिंग थी अंकल को जाना पड़ा। और ये देखिए इनसे मिलाते हैं हमारी मैडम भी 24 घंटे बस यहीं बैठी हुई टीवी के, और वहां पे भी नहीं बैठी जब बैठना चाहिए सोफे पे, तेरे बात ऐसे रोले टीवी में ना घुस जाए जाकर। हमें अपने भाई के लिए वाली चप्पल भेजनी पड़ेगी, सबने क्रॉक्स पहन रखी है वो भी लाइट वाली है देख। भैया के लिए ना हम लोग को ना जो भैया वाली क्रॉक्स थी ना उसमें भैया के बर्थडे के दिन क्या हुआ वो लग गया स्प्रे। आंटी आज शॉपिंग करके आते हैं मस्त भैया के लिए। हम लोग अभी जा रहे हैं भैया की थार लेने के लिए पार्किंग तो में मिल गया तिजोरी की चाबी। बस अभी हम लोग थार निकालने जा रहे हैं, वहाँ से थार उठाते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं पार्किंग में, ये देखो ये दोनों भी ना बाबू भैया को मिस कर रही होंगी। हाईलेक्स भी चलती है और सुप्रा तो बेचारी जब से भैया गए तब से खड़ी हुई है एक जगह पे। हम लोग जा ही रहे थे रास्ते में थे, बट हम लोग को ना अभी पता चला कि जो हम लोगों ने हैशटैग चलाया ना अनुराग इज द बॉस वो ट्रेंडिंग चल रहा है। यार आप लोग ना सच्ची में भयंकर हो यार, आप लोग ने ना हमेशा इतना ज्यादा सपोर्ट किया ना, मैं तो रोने वाला हो रखा, इतनी इमोशनल हो गया ना मैं, इतने इमोशनल हो रखे ना, मतलब हम लोगों ने जितना बोला है ना आपने ना हमेशा उससे ज्यादा सपोर्ट किया है, उससे ज्यादा प्यार किया है, मतलब सच्ची में दिल से शुक्रिया यार, इतना प्यार इतना सपोर्ट, हमेशा बस ऐसे ही बने रहना यार, ऐसी भैया को सपोर्ट करते रहना, फिर तो जीत पक्की है। जब तक ब्रो से ना साथ खड़ी है ना तब तक कोई हमें जीतने से नहीं रोक सकता, आप लोग को भी पता है। बस यही प्यार देते रहना, और जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लोग पोस्ट डाल सकते हो ना 1,00,000 पोस्ट कर दो, जितनी पोस्ट कर सकते हो उतनी पोस्ट करो, बस हैशटैग अनुराग इज द बॉस और उसके साथ एक अपना प्यारा सा मैसेज लिख देना, दिल से शुक्रिया ब्रो से ना, बस यही बोलना चाहती हूँ। सो हेमलो जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बता देना चाहता हूँ जहां पर आप गेम खेल करके यू कैन अर्न मनी गाइज, एंड ये मेरे फ्रेंड की वेबसाइट है, द प्लेटफॉर्म नेम इज वन विन गाइज। नॉट ओनली दिस गाइज यहाँ पर ना मैं आपको लकी जेट खेल के भी दिखा देता हूँ जहां पर आप पैसे कमा सकते हो स्टेडिली, एंड बस आपका मेन टास्क ये रहेगा कि आपको अपने पैसे कलेक्ट करने हैं जो पायलट है उसके उड़ने से पहले। गाइज जब आप डिपॉजिट विड्रॉ करोगे ना तो मैं आपको पेटीएम सजेस्ट करूंगा बिकॉज इट इज वन ऑफ द ट्रस्टेड ऐप एंड सबको पेटीएम यूज करना आते हैं, तो आप वहां से इजीली डिपॉजिट एंड विड्रॉ भी कर सकते हो यार। एंड यार मेरा प्रोमो कोड यहां पर स्क्रीन पर फ्लैश होगा वो यूज करोगे ना तो आपको वेलकम बोनस 25,000 रुपए का मिलेगा फॉर ऑल न्यू यूजर्स। तो देरी किस बात की गाइस, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दे रखा होगा वन मिन का, जाओ जाकर के साइन अप करो। मेरे लिंक से साइन अप करने पे और प्रोमो कोड यूज करने पे आपको पता है 25,000 रुपए का वेलकम बोनस। देरी किस बात की है, घर बैठ करके लकी जेट खेलो गाइस एंड विन अ लॉट ऑफ मनी और अपने सपने पूरे करो यार। घूमने जाना है, अच्छा शाम को चलेंगे, चलो चलो अंकल बाकी आपको पता है
हाँ बताओ बताओ क्या है नंबर वन ट्रेंडिंग कौन नहीं चल तो रही? तुमको पता है तो क्या मुझे पता नहीं है? तो मुझे भी पता है, अनुराग शायद सुबह तक लगभग बराबर पे था, जो मेरे साथियों ने मुझे बताया था, तो मैं तो ट्रेनिंग में था। अब मुझे अभी शहदाब ने बताया कि अनुराग नंबर वन ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो अभी तो जाएगा, अभी तो बहुत आगे जाएगा, अभी बीच का डिफरेंस है वो कम है, और बाद बाद में देखना वो डिफरेंस कितना बढ़ता चला जाएगा। और ये जानती हूँ किसके कारण हो रहा है, जो ब्रो सेना हो रही है, और मेरी भी एक फादर सेना बन चुकी है, तो हमारे जो हमारे साथ के टीचर है ना, लगभग 1,00,000 टीचर है, वो लोग भी पूरे सपोर्ट में आ रखे हैं हमारे। अब बैठ जाओ, बैठो पहले, पहले दोनों बैठो, सैंडी पहले बैठो, फिर दूंगा। अच्छा आपको पता ना ऐसे कि अनुराग आज इस हफ्ते सेफ है? वो तो मुझे पता है, सेफ हाल जो कल शाम हो रही है वाली थी। अच्छा रुको रुको रुको, पहले जरा इन बच्चों को मिठाई खिलाते हैं। लो भाई लो भाई लो भाई, ये देखो जल्दी जल्दी खाओ। आज अभी मैं शहदाब के पास आया तो शहदाब ने मुझे एक लिंक दिया, तो उसने बताया कि देखो अंकल अनुराग जो है इंस्टाग्राम पे भी नंबर वन, ट्विटर पे भी नंबर वन, ट्विटर पे तो शायद अभी चल ही रहा है ना, तो सारे प्लेटफॉर्म जो वोटिंग वाले प्लेटफॉर्म उन पे वो नंबर वन पे चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि आज देखो असली ताकत का पता अब चल रहा है, जब अनुराग यहां से ब्लॉग डालता था, क्योंकि तब अनुराग डायरेक्टली अपनी ब्रो सेना के साथ बात करता था, लेकिन असली सपोर्ट तो ब्रो सेना आज दिखा रही है, जबकि अनुराग डायरेक्टली उनके बीच में नहीं है, वो एक जगह पर बंद है, उसका कहीं बाहर की दुनिया से डायरेक्टली कोई कम्युनिकेशन नहीं है। उसके बावजूद जो पूरी ब्रो सेना और जो उनके माता पिता हैं, छोटे भाई बहन हैं, सारे के सारे हमको सपोर्ट कर रहे हैं, अब जाकर के उनका जो वास्तव जो सपोर्ट है वो अब दिख रहा है कि वो जब किसी मुसीबत में होते हैं तब सपोर्ट करते हैं। और एक बात मुझे अभी याद आई कि आसाम में काटी बिहू चल रहा है, तो मैं जब 2 या 3 साल पहले आसाम में गया था, उन लोगों ने बहुत प्यार दिया। आसाम से जितने भी भाई बहन हमारे देख रहे हैं, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जहां मैं नहीं गया और आपके बाबू भैया गए हैं, आप सब लोगों से निवेदन है कि बाबू भैया को सपोर्ट करें। तीज काटी बिहू पूरे आसाम और जहां जब आसाम ही नहीं, वेस्ट बंगाल, जहां जहां भी ये बिहू मनाया जाता है, उन सब के लिए यही है कि क्या हैप्पी काटी बिहू एट जॉय आई अहोम। गलत हो रहा तो भाई माफ कर देना, पर वोट जरूर कर देना भाई। गाइस हम लोग निकल रहे हैं घर से, हम लोग को थोड़ा सामान जो हम लोग लेकर आए थे, हम लोग वो लेकर निकल रहे हैं घर से। अब हम लोग जा रहे हैं बाबू भैया के घर, मिलते हैं अंकल आंटी से, आज और भी बहुत सारे काम निपटाने जाने हैं। और यहाँ देखो कौन बैठे है। हाँ भाई देख रही हो किसी गाड़ी है? तो गाइस आपने कल देखा ही था बाबू भैया की जो बहस हो गई थी ऐश्वर्या के साथ, मतलब मेरे को ना वो देख के ना सबको, मतलब पूरी टीम में सबको ये चीज लगी थोड़ा सा ना, उसने हाँ। वो ऐसे कर दिया था उसने, लाइक ठीक है धक्का क्या करे, लेकिन उसमें वो हो जाता है यार, क्योंकि बिग बॉस में नहीं है ऐसा, मतलब पूरी टीम को ना यही चीज फील हुई। बन्नू भैया भी ना मुझे वहां से टेक्स्ट करके लिख के भेज रहे, कह रहे अनुराग एंड भव्या, क्योंकि हम लोग ना मतलब हम दोनों के साथ, मतलब जैसे अनु भी, अनुराग भी और मेरी लड़ाई होती है, मतलब लड़ाई मतलब मस्ती वाली लड़ाई, उसमें ना हमेशा ऐसा होता था कि पर लेकिन वो भी था भव्या, जैसे तुम्हारी लड़ाई होती है ना क्यूट हाँ, वाली, फिर हाँ, वो ही तो हो रही थी हाँ, लास्ट में एक दूसरे को मतलब ठीक है भैया ना लड़ते नहीं है, बताती हूँ, भैया को ये पता होता है कि कौन चिढ़ रहा है, और जब इंसान चिढ़ रहा होता है तो उसे चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। वही चीज हो रही थी कि वो चिढ़ रही थी और भैया ने उसे फिर प्यार प्यार से और चिढ़ा रहे थे, तो वो और ज्यादा चिढ़ रही थी कि वो सीरियसली हाँ, वो सीरियसली वाले नहीं चिढ़ा रहे थे, उसे ना फिर प्यार प्यार वाला चिढ़ाने लग गए, और वो ना पोक हो रही थी, मतलब चिढ़ रही थी, ऐसे मेरे को बोलते क्या चलो चलो ठीक है क्या कर लोगे जाओ, कि वो चीज ना जब चिढ़ा हुआ ना इंसान तो ऐसा लगता है कि ये मुझे कैसे क्यों बोल रहा है। क्यूट वाली लड़ाई थी उनकी, क्यूट सी लड़ाई, क्यूट वाली लड़ाई थी, लेकिन मजा आ गया उस क्यूट वाली लड़ाई में तो। लेकिन वाह यार, मतलब भैया जैसे बाहर है ना वैसे ही अंदर है, कि भाई लड़ रहे हैं मजाक कर रहे हैं सब चीज, वो चीज है ना। अभी अंकल आंटी से भी पूछते हैं, उन्हें भी पता है कि भैया कैसे हैं। अंकल आंटी तो वो होंगे भाई, मतलब ये क्या हो गया, मतलब बट अंकल आंटी जो भैया वो हरकत कर रहे थे ना, वो क्यूट वाला चिढ़ा रहे थे, तो उन्हें भी हंसे होंगे कि देखिए वो ही कर रहे हैं। तो अभी अंकल आंटी से पूछते हैं कि कैसा लगा उन्हें कल वाला वो। सजन रे पास तो आना, न कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना। पिछले साल आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, ये जहां जहां गया था, अरुणाचल प्रदेश, तो वहां के लोगों ने उसको प्यार से कितने सारे ये गामोसा दिए थे। और आज जैसा कि हम देख रहे हैं, मुझे पता चला है क्योंकि हमारे काफी साथी नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जो है आजकल काटी बिहू है, आज जो है शायद काटी बिहू शुरू हो रहा होगा, लेकिन आज उसका एक प्रमुख दिन है। तो अनु ने पूरे आसाम के लोगों का धन्यवाद देने के लिए कि उन लोगों ने बाबू भैया को या जिसको भी जो है अनुराग डोभाल कह लीजिए, UK07 राइडर को, उसको उन्होंने अपने प्यार से इस मंजिल तक पहुंचाया, इसलिए उसने उनका धन्यवाद देने के लिए दिन भी याद रहा, उसका अपना जन्मदिन का ही पता नहीं है कि मैं कब पैदा हुआ, कब वहां जा रहा हूं। तो उसको देखिए कि उसको
काटी बिहू। और जहां तक मुझे हल्का हल्का पता है, जब मैं हम लोग पिछले साल आसाम गए थे तब कुछ ऐसा लगता है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल को शिफ्ट किया जाता है। जितने भी भाई हमारे आसाम से देख रहे हैं, भाई बहन माता पिता बूढ़े बड़े छोटे देख रहे हैं, वो ये बच्चे ये भी देख रहे हैं कि ये क्या मैं सही बोल रहा हूँ। तो जहां तक मुझे पता है कि काटी बिहू एक फसल से दूसरी फसल को जो हम शिफ्ट करते हैं, फसल को शिफ्ट करते हैं, और धान शायद खत्म हो रहा है आसाम में उसके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अन्नु आज आपको किस तरीके से बिग बॉस के हाउस से पूरे आसाम को, पूरे पश्चिमी बंगाल को, पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट को सैल्यूट कर रहा है वहां से, वो उसका सिर में पहना हुआ गामोछा आपको दिखा रहा है और पूरे आसाम के लोगों को यहां से वो धन्यवाद दे रहा है कि मैं आज भी उसके साथ हूं। जल्दी आना, देखो क्या कर रहा है, उसे वो चाय बना रहा है, देखना यार घर और देखना वहाँ क्या है। मालिक क्योंकि मर्जी तो गधे की होती है, मुद्दा नहीं बना सकती तुम बना रहे मेरे साथ। अंकल जी आप तो अपने बेटे को लाटा बोलते थे, आवाज को नहीं दिया यार। ये तो अब जो है ना, आपको नया फेस दिखा है ना जो हम लोगों पे, नया फेस दिख रहा है बाबू भैया का, आपके बाबू भैया का नया फेस देखो। घर आके चाय नहीं बनाई और तुमने हमको नहीं पिलाई तो देखना। नहीं वैसे नहीं बोल रही, याद आ रही बहुत ज्यादा। देखो ऐसा लग रहा है ना यहीं पे खड़े हुए। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर, अब मिलते हैं अंकल आंटी से अंदर जाके। चलो गाइस आगे हम लोग घर, अब हम लोग मिलते हैं अंकल आंटी से। सब लोग तो एक ही रूम में बैठे, सबका डिस्कशन। तो कल का जब मैंने एपिसोड देखा तो पूरा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई वो शायद गार्डन में घूम रहे थे कुछ ऐसा था शायद, और वो एक लड़की है ऐश्वर्या है, हाँ तो मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, बट ऐश्वर्या ने शायद उनकी कुछ हल्की सी बहस टाइप की हो रही थी किसी टॉपिक पे पीछे, और उसने आगे से उसको हल्का सा टच किया या पुश किया या जो भी हम बोल सकते हैं। तो इस पर उन्होंने थोड़ा इरिटेट हो गया था कि ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्या कर दिया। अच्छा पूरा सीन ऐसा था क्योंकि मैं समझ नहीं पाया था, मतलब वो पहले दूसरे को चिढ़ाता है फिर कुछ शो करता है कि मैं चिढ़ रहा हूँ, और जब देख लिया कि दूसरे को थोड़ा सा मस्ती लेने के लिए वो हो गया, फिर अपने बहन जैसा या जैसा अपने आदमी जैसा फैमिली मेंबर जैसा फिर वो करता क्या, ये तो कुछ नहीं उसे ना ऐसे कर रहे लास्ट में से और मैं मिलूंगा आपको दो दिन बाद एक नए एपिसोड के साथ। फिलहाल दो दिन के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ। आंटी आप भी जा रहे हो घूमने? मैं भी जा रही, मैंने कहा मैं चले जाऊंगी तो आंटी बोल रही मैं भी जा रही, फिर माई के अंकल जी को मैं माई के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो हमारी परेशानी मत करो, वो माई के चल जाएगी, मैं ऑफिस चल जाऊंगा, तुम अपना सोचो तुम्हारा क्या होगा। अंकल बोल रहे तुम फिर राजमा चावल आंटी के चल जाओ, तुम भी कर लोगे, ये भी भव्य भी कर लेगी, ये रितिका भी कर लेगी, दुष्यंत कहाँ जाएगा? दुष्यंत बोल रहा मैं भी यमुना नगर जाऊंगा। चलो फिर अंकल आंटी हम लोग मिलते हैं आपको शाम को, अभी बाजार जा रहा हूँ, मेरे लिए दो तीन टी शर्ट ले आना। हाँ अंकल आपके लिए हम शॉपिंग करके आ रहे हैं मस्त। अच्छा एक बात सुनो, मैं कई बार पूछ रहा हूँ भाई, मुझे किसी पे विश्वास नहीं हो रहा, मैं भी जाऊंगा बिग बॉस के शो। अंकल आप जब आप जाओगे ना, जब आप वहाँ पहुंचोगे तब आप बोलोगे वही वाला माइक लगा कर यहाँ पर जाओगे। मेरे पास मैं तो बहुत साल पहले जानता था कि मैं बिग बॉस में जाऊंगा, 4 साल पहले तो ये मैंने ले रखा है, ये मैंने 4 साल पहले से ले रखा बिग बॉस, और अपना कैमरा भी रखूं उसमें आधार वाला। पर फिलहाल मेरे लिए 2 शर्ट और 2 टी शर्ट और लोअर तो है मेरे पास। आज हम लोग अंकल की शॉपिंग कर रहे हैं। आंटी आपके लिए क्या लेकर आना है? जो मिल जाएगा वही ले आना आंटी। चलो आप भी चलो ना। आज हम अंकल आंटी की शॉपिंग करके आते हैं, भैया की शॉपिंग करके आते हैं। शॉपिंग करके और मैं शादी में जा रहा हूँ, मैं रितिका हम लोग शादी में जा रहे हैं, हमारे स्टाफ में एक मैडम है उनकी शादी है, तो आज मैं जा रहा हूँ सैया जौनसार वाले इलाके में, तो जौनसार के लोगों से अपील है कि आप बाबू भैया को सपोर्ट। उत्तराखंड का सबसे रिचेस्ट कल्चर है जौनसार का, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, वहाँ जो जो हम लोग आज देखेंगे उसको कल या परसों आपके साथ साझा करेंगे जौनसार के साथ। अंकल जी नाटी भी करके आनी है शादी डांस में, नाटी 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 जौनसार होती ना तू ना ये मिलती शिमले। बाय बाय सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आस करना ओ।